नमस्कार, आप देख रहे हो लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। दबंगों ने किया तालाब की जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण खाली कराने को एसडीएम से की शिकायत। बताते चले कि शहनवाज निवासी मटिया मऊ ने एसडीएम बिलग्राम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वल्ली पुरवा मजरा मटिया मऊ में पड़ोसी लोगों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है। साथ ही गाटा संख्या 2484, 2485, 2486 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब में दर्ज है, जिस पर आसपास के रहने वाले लोग मिट्टी डालकर भरान कर लिए हैं। कुछ लोगों ने पक्का भवन निर्माण भी कर लिया है, जिससे अब मौके पर स्थित तालाब धीरे धीरे शून्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में गाँव के अंदर जल भराव, घरों में पानी भर जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट आदेश है कि गांव के अंदर तालाब पाटने पर जघन्य अपराध माना जाएगा। इसके उपरांत तालाब पर कब्जा करने वालों के ऊपर भूमाफिया जैसे विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा सकता है। परंतु वल्ली पुरवा में तालाब पाटने वाले भूमाफियाओं को सरकार का कोई भय नहीं है। वहीं गांव के शहदुल जफर, अतीक कफील, तकदीर कुलदीप, शहनवाज मोहम्मद यूनुस, शकुंतला मुन्ना, जमील वकील सीमा आदि लोगों ने तालाब पर हो रहे अवैध निर्माण एवं कब्जे को खाली कराए जाने एवं भू माफियाओं के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रग्राम मिश्रा। इसलिए तालाब खुलवाने के लिए, तालाब खुलवाने के लिए तालाब पट रहा है क्या, जोत लिया गया है जी? जो तालाब में मिट्टी डालकर, पहले मिट्टी डाली गई, उसके बाद में अब उस पर निर्माण कार्य चालू किया गया। गाँव के लोग कर रहे हैं? अच्छा, कितना तालाब है? 7.5 मीटर। यदि तालाब पट गया तो पानी कहाँ जाएगा? है निकास कहीं? नहीं है। नहीं है, जलमग्न हो जाएगा गांव। बारिश होती है तो पानी रोड पर भर जाता है, घरों में चला जाता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।